सो वेलकम गाइज, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉन्क्स, जिसके DRLs हमेशा ऑन रहते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि DRLs ना आप बंद भी कर सकते हो गाड़ी चलाते हुए, मतलब अगर आपका इग्निशन ऑन है तो ऐसा नहीं है कि DRLs आपके जलते रहेंगे। हम आपको ऐसी सेटिंग बताएंगे जिससे आप DRLs अपने बंद भी कर सकते हो। तो ये प्रतीक जी हैं, ये आपको आप थोड़ा समझाएंगे कि आपको किस तरीके से ये आप बंद कर सकते हैं। प्रतीक जी थोड़ा बताइए। आपको DRLs बंद करने के लिए आपको हेडलैम्प स्विच पे जाना है। उससे पहले आपको गाड़ी का इग्निशन ऑफ करना है। इग्निशन ऑफ करने के बाद इग्निशन ऑन करना है। आपको हेडलैम्प स्विच से ऑफ को हमारी हेडलाइट तक 5 बार स्विच करना है। स्विच करने के बाद जब आप उसको फिर ऑफ पे ले आएंगे तो 5 बार कंटिन्यूसली आपको हेडलैम्प ऑन करनी है। जब आप ये 5 बार ऑन करेंगे तो एक बीप बजेगी, इसका मतलब हमारी DRL बंद हो गई है। फिर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको DRLs ऑफ मिलेगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या DRLs बंद हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि DRLs एकदम बंद हो गई है और गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है, साउंड एक बार सुन लेते हैं। गाड़ी एकदम स्टार्ट है, कहीं आपको लगे कि हमने गाड़ी बंद कर दी है। तो इस तरीके से आप अपना DRLs बंद कर सकते हो।